हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जो ओवरी है उस ओवरी में ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो डिफरेंट जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की ओवेरियन फॉलिकल्स की, आज उनके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं इनका फॉर्मेशन कहाँ हुआ, किस तरीके से हुआ। तो ओवरी में तो फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एंड ये जो ओवेरियन फॉलिकल है ओवरी में किस जिनकी जो सबसे पहली स्टेज है वो क्या है। तो जो फर्स्ट स्टेज है जहां पर एकदम अनडिफ्रेंशिएटेड जो फॉलिकल्स है, या यूं कह सकते हो जस्ट एकदम वेरी यंग जो फॉलिकल्स हैं, उनको कहा जाएगा प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ठीक है। एंड ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में ये फॉलिकुलर सेल्स से एक फॉलिकुलर सेल्स का एक सैक लाइक पूरा एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कवर हुए हैं कौन, तो वो छोटे छोटे जो जर्म सेल्स जो आगे चल करके ओवम के फॉर्मेशन में प्रोसीड करने वाले हैं, तो उन छोटे छोटे जर्म सेल्स को यहाँ पर नाम दिया जाएगा गैमीट मदर सेल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि एनसीईआरटी में भी ये पॉइंट लिखा हुआ है, गैमीट मदर सेल। तो ये जो गैमीट मदर सेल्स है, ठीक है ना, जीएमसी भी बोल सकते हो, गैमीट मदर सेल, इन्हीं को ऊगोनिया कहा जाएगा, मदर सेल्स ऊगोनिया, ठीक, एक सिंगल के लिए ऊगोनियम कहेंगे, तो गैमीट मदर सेल। और ये जो ऊगोनियम है, ठीक है, ये फॉलिकुलर सेल्स के बने एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में कवर है, और वो जो कवरिंग है, ठीक है, विद द ऊगोनियम, ऊगोनियम जिसमें कवर हुआ है पूरे सैक में, उसी को क्या कहा जा रहा है, वो है आपका प्राइमोर्डियल फॉलिकल। एंड इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कब स्टार्ट हो गया था, तो जो जर्मिनल इपिथीलियम है ओवरी की जो जर्मिनल इपिथीलियम है उसको बेटा क्या कहा जाता है, उसको बोलेंगे एग्नेस्ट कह सकते हो। एंड ये जो जर्मिनल इपिथीलियम है, ठीक है, इसने माइटोटिक डिवीजन से प्रोलिफरेट करके, ठीक है, इसका प्रोलिफरेशन कब तक होता रहा, ये आपका जो जेस्टेशन पीरियड होता है एक फीमेल फीटस, ठीक है, जेस्टेशन पीरियड के 1 मंथ से लेकर के करीब 5th मंथ तक, जेस्टेशन पीरियड के 5th मंथ तक जो फीमेल फीटस है उसके ओवरी में इन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ने कवर क्या रखा है, किनको अपने अंदर रखा हुआ है, तो उन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में प्रेजेंट है हमारे गैमीट मदर सेल, जिनको ऊगोनियम भी बोलोगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और ये कितने बन जाते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे एनसीईआरटी में ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे कितने बन जाएंगे। आपको ये याद रखना है कि जब एक फीमेल चाइल्ड बर्थ करता है ना, एक फीमेल बेबी जो है बर्थ करता है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ इंडिविजुअली एक ओवरी, एक सिंगल ओवरी में कितने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक जो सिंगल ओवरी है, एक इंडिविजुअल ओवरी फीमेल चाइल्ड के बर्थ के समय, आपको याद रखना है कि वहां पर करीब करीब 2 मिलियन ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, याद रखें एनसीईआरटी में प्राइमोर्डियल फॉलिकल जैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ऊगोनियम की बात करी गई है, गैमीट मदर सेल की बात करी गई है, फॉलिकुलर सेल्स की बात करी गई, इसका मतलब कि फॉलिकुलर सेल्स की कवरिंग इसने कवर कर रखा है गैमीट मदर सेल को, ऊगोनियम को, ठीक है, तो वही तो पूरा अपने आप में एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ना, ये चीज आपको थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। तो दिस इज, एंड ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है एट बर्थ कितने हैं, तो ये करीब करीब 2 मिलियन है, ठीक। एंड यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी में पॉइंट भी दिया हुआ है, इसके लिए अलग से एकदम वो हाईलाइट उन्होंने किया हुआ है कि बर्थ के बाद, ठीक है, जब एक फीमेल चाइल्ड का बर्थ हुआ तो बर्थ के बाद अब ओवरी में फर्दर कोई भी नए फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। नए फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा मतलब जब नए फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो नए ऊगोनियम का भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। जो ओवरी की लाइनिंग जो जर्मिनल इपिथीलियम है, सिंपल के वर्ड इपिथीलियम है ना जर्मिनल इपिथीलियम, उसने क्या किए है, उसने 2 मिलियन, ठीक है, क्या बना दिए, गैमीट मदर सेल मतलब ऊगोनियम बना दिए। एंड ये जिन फॉलिकुलर अरेंजमेंट में कवर है उन फॉलिकुलर सेल्स को क्या कहा जा रहा है, उनको बोला जा रहा है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर। तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, एंड इन्हीं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स में अब आपको याद रखना है कि जो ऊगोनियम, ठीक है, उसमें क्या स्टार्ट हुआ, उसमें ऊगोनियम में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, उसमें ऊगोनियम में क्या स्टार्ट हुआ, ऊगोनियम में अब स्टार्ट हुआ मियोसिस, है ना, मियोसिस सेल डिवीजन। और मियोसिस सेल डिवीजन जैसा कि हम लोग जानते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन जो है जब पूरा कंप्लीट होता है तो उसमें एक बार मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसको मियोटिक फर्स्ट भी बोलते हो, और मियोटिक फर्स्ट में फिर आपका प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट की जो 5 सब फेजेस हैं, ठीक है ना, लेप्टोटेन,
जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस, ठीक है ना। तो ये थोड़ा आपको समझ के चलना है कि प्रोफेज फर्स्ट है, देन मेटाफेज फर्स्ट है, देन एनाफेज फर्स्ट है, एंटीलोफेज फर्स्ट है, एंड देन उसके बाद जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जो हमारा मियोसिस सेकेंड है जो कि माइटोटिक टाइप एक डिवीजन है वो होगा, ठीक है ना। कितनी बात समझ में आ रही। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या ये मियोसिस पूरा कम्प्लीट होता है? नहीं, पूरा मियोसिस कभी नहीं कम्प्लीट होता है। आपको ये याद रखना है कि जब आपकी जो जर्नल इपिथीलियम है ओवरी की जो जर्नल इपिथीलियम है, इसको एग्नेस्ट बोलोगे, इसने प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बना दिए, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये सब कुछ बन जाता है, एंड एट बर्थ ये करीब करीब कितने होते हैं? 2 मिलियन, ठीक है, ये 2 मिलियन तक होते हैं, ठीक। एंड यही 2 मिलियन जो हमारे फॉलिकल्स हैं, इसमें जो सेल प्रेजेंट है वो क्या है? गैमेट मदर सेल, जिसको क्या बोलोगे? ओगोनियम। एंड इसके बाद ये जो ओगोनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखने जा रहे हैं बच्चों, ध्यान देना कि यहाँ जो ये जो हमारे प्राइमोर्डियल सेल्स हैं, इसमें प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो है उसमें जो सेल प्रेजेंट है वो कौन है? ओगोनियम। एंड इस ओगोनियम में यहाँ पर अब स्टार्ट क्या हुआ? तो यहाँ पर हम लोगों का जो मियोसिस है, उस मियोसिस डिवीजन का मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है। एंड इस मियोसिस फर्स्ट का भी केवल प्रोफेज फर्स्ट ही हो पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, आपका ऑब्जेक्टिव में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि केवल मियोसिस फर्स्ट ही कंप्लीट हो पाता है। जो गैमेट मदर सेल है, जिसको आप जीएमसी बोल रहे हो, इस जीएमसी में केवल मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट तो हो गया, मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर स्टार्ट हो गया, लेकिन इस मियोसिस फर्स्ट का केवल कौन सा स्टेज हो रहा है? प्रोफेज फर्स्ट यहाँ पर केवल हो पा रहा है, पूरा हो पा रहा है। एंड प्रोफेज फर्स्ट के बाद फर्दर जो अब स्टेजेस है, प्रोफेज फर्स्ट के बाद क्या आएगा? मेटाफेज फर्स्ट, देन एनाफेज फर्स्ट, देन टेलोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज फर्स्ट के बाद अभी कोई भी स्टेज आगे प्रोसीड करने वाली नहीं है। इट मीन्स कि जो हमारा ओगोनियम है प्राइमोर्डियल फॉलिकल में, वो मियोसिस फर्स्ट उसमें स्टार्ट हुआ, और मियोसिस फर्स्ट की केवल प्रोफेज फर्स्ट ही अभी पूरी हुई है। देन इसके बाद सारा सब कुछ क्या हो गया? रुक गया। मतलब मियोसिस फर्स्ट के बाद जो ओगोनियम है उसमें अब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, बस क्या होगा? एनलार्जमेंट तो होगा, उसकी ग्रोथ तो हो रही, वो बड़ा हो रहा है, लेकिन अब उसमें सेल डिवीजन का फर्दर कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है। इसलिए एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है कि अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद ये जो डिवीजन है टेम्पररली अरेस्ट हो जाएगा। टेम्पररली अरेस्ट होने का मतलब कि रुका रहेगा भैया, ठीक है, रुका रहेगा। एंड अब फर्दर ये कब स्टार्ट होगा? तो फर्दर ये स्टार्ट होगा एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की जब एज आ जाएगी तब स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि प्राइमोर्डियल फॉलिकल 2 मिलियन के करीब बन गए, ठीक है, जिनमें हमारे गैमेट मदर सेल भी क्या है? ओगोनियम, मतलब 2 मिलियन है। इसके बाद आपको समझना है कि बर्थ के बाद है ना, जब चाइल्ड का बर्थ हो गया, फीमेल चाइल्ड जब बर्थ कर गया, तो बर्थ के बाद अब कोई नए ओगोनियम और प्राइमोर्डियल फॉलिकल ऐड नहीं होंगे ओवरी में ऐड नहीं होंगे। जितने बन गए थे एट द टाइम ऑफ बर्थ तक जो ओवरी में प्रेजेंट थे 2 मिलियन, अब केवल उतने ही हैं, नया कोई नहीं बन रहा है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नया कोई नहीं बन रहा बेटा। हम जो भी बोल रहे हैं उसको समझ के चलो, नोट्स बनाते चलो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आएंगे इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ हम आपको दे रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए। तो नया नहीं बन रहा है, बर्थ के बाद कुछ भी नया एड नहीं हो रहा है, बल्कि जो बन गए थे अब उनमें से डीजेनरेट होना शुरू हो गए, श्रिंक होना शुरू हो गए। तो मतलब जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं वो डीजेनरेट होना शुरू होते हैं, ठीक है ना, डीजेनरेट होना शुरू होते हैं, लेकिन करीब करीब डिजेनरेट भी होते जा रहे हैं, और उन्हीं में कुछ ऐसे हैं जो धीरे धीरे मेच्योर भी हो रहे हैं। तो जो मेच्योर हो रहे हैं उनमें आपको समझना है कि मियोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में जाकर के चीजें अरेस्ट हो गई हैं, टेम्पररी अरेस्ट हो गए हैं। इसके बाद जो मेटाफेज फर्स्ट के बाद का जो पूरा प्रोसेस है, मेटाफेज फर्स्ट से स्टार्ट करके जो फर्दर जो पूरा प्रोसेस है वो कब होगा? वो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी की एज आ जाएगी एक फीमेल की, देन होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि प्यूबर्टी की एज आते आते, ठीक है, ये बहुत सारे जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। एक अगली चीज आई,
भाई जब मियोसिस फर्स्ट होने लगता है ऊगोनियम में, तब उस ऊगोनियम को क्या बोलेंगे, तब उस ऊगोनियम को बोलेंगे प्राइमरी ऊसाइट। क्या बोलेंगे? प्राइमरी ऊसाइट। ठीक है, तो अब अगर प्राइमरी ऊसाइट बोलेंगे, प्राइमरी ऊसाइट बोलेंगे, तो वो फॉलिकुलर अरेंजमेंट, जो फॉलिकुलर सेल्स का जो पूरा एक सैक है जिसमें ये प्राइमरी ऊसाइट प्रेजेंट है, उस प्राइमरी ऊसाइट को क्या बोलोगे? उसको प्राइमरी फॉलिकल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? उसको आप प्राइमरी फॉलिकल बोलोगे। और अभी हमने पीछे एक पॉइंट बोला कि जब बर्थ हुई उसके बाद से एज ऑफ प्यूबर्टी आते आते ये जो पिरामिडल फॉलिकल्स हैं ये बहुत डिजनरेट होने लगते हैं, नए कोई नहीं बनते हैं, लेकिन जो बन गए थे 2 मिलियन उनमें से लाखों क्या होते हैं, डिजनरेट हो जाते हैं। लाखों तो डिजनरेट हो जाते हैं लेकिन फिर भी प्यूबर्टी किए जाते आते इंडिविजुअली इन ईच ओवरी कितने आपके जो है फॉलिकल्स सब बचे रह जाएंगे, तो वो जो फॉलिकल्स बचे रह जाएंगे उनकी जो तादाद है वो आपको याद रखनी है 60,000 to 80,000, 60,000 से लेकर के 80,000 तक रह जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा हुआ है कि 60,000 से 80,000 तक ये जो बचे रह जाएंगे एट ऑफ प्यूबर्टी, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी आते आते इन जो फॉलिकल्स हैं, जो ये 60,000 से 80,000 तक ये जो बचे रहेंगे इन्हीं को क्या कहा जा रहा है, इनको प्राइमरी फॉलिकल कहा जा रहा है। ठीक है, एंड ये प्राइमरी फॉलिकल में क्या प्रेजेंट है, प्राइमरी ऊसाइट। और प्राइमरी ऊसाइट वो सेल है जिसमें मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट पूरा हो गया था, एंड देन इसके बाद सारी जो इवेंट्स थी वो क्या हो गई, टेम्पररली अरेस्ट हो गई, मतलब अस्थायी रूप से क्या है, रुकी हुई है, अस्थायी है ना, अनस्टेबल जिसको बोला जाएगा, तो अस्थायी रूप से टेम्पररली वो रुके हुए हैं। ठीक है, एंड एज ऑफ प्यूबर्टी जब आया देन उसके बाद अब क्या होगा कि फर्दर जो स्टेजेस थे वो स्टार्ट होंगे, मतलब मेटाफेज फर्स्ट पूरा होगा, देन एनाफेज फर्स्ट पूरा होगा, टेलोफेज फर्स्ट पूरा होगा, एंड इसके बाद ठीक है जो हमारा प्राइमरी ऊसाइट है वो मियोटिक फर्स्ट के बाद दो सेल में कन्वर्ट हुआ, जिसमें से एक जो सेल है वो रिलेटिवली क्या है, लार्ज है, एक बड़ी सेल। ठीक है, एक बड़ी सेल है जो सेकेंडरी ऊसाइट कहलाएगी, जो सेकेंडरी ऊसाइट कहलाएगी, लेकिन जो एक छोटी सेल बन रही है साथ में वो क्या है, वो फर्स्ट पोलर बॉडी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, जरा ध्यान से समझो, हम लोग जरूर पढ़ रहे हैं डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, लेकिन हम सारी चीज जो आपको बता रहे हैं वो ऊजनेसिस से रिलेट करके बता रहे हैं, तो अगर आप ऊजनेसिस को साथ में लेकर के चलेंगे तो पूरी बात क्लियर हो जाएगी। हालांकि ऊजनेसिस को एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस के साथ भी हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे, तो वो किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम लोग का ओवरी में जो ओवेरियन फॉलिकल्स है उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीजें हैं, तो बहुत ध्यान समझिएगा। तो इतना क्लियर हो गया कि प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए, इनमें मैंने बताया मियोसिस फर्स्ट के बाद प्राइमरी फॉलिकल्स जब एट ऑफ प्योरिटी में पहुंचे, ठीक है, तो क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब सेकेंडरी फॉलिकल जो है उसमें क्या प्रेजेंट है, उसमें प्रेजेंट है सेकेंडरी ऊसाइट। अभी सेकेंडरी ऊसाइट बना कैसे था, तो जब यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल्स जो है, ठीक है, एट एज ऑफ प्यूबर्टी में जब एक इंडिविजुअल पहुंच गई फीमेल, तो उसमें अब मियोसिस जो फर्स्ट है वो पूरा हुआ, और पूरा होने के बाद जो दो सेल्स बन रहे उसमें से एक सेल बड़ी है एक सेल छोटी है, इसी वजह से मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसको अनइक्वल डिवीजन बोलते हैं, उसको अनइक्वल डिवीजन, यहाँ पर बोलेंगे अनइक्वल डिवीजन, हर जगह नहीं अनइक्वल होता है, इस जगह पर अनइक्वल है। अनइक्वल क्यों है, क्योंकि जो दो सेल बन रहे उसमें से एक सेल काफी बड़ी है और एक छोटी है, काफी बड़ी मतलब थोड़ी बहुत बड़ी है, रिलेटिवली अगर कंपेरेटिवली उनके साइज को देखा जाए तो एक का साइज रिलेटिवली काफी बड़ा है और दूसरे का छोटा है, तो जो बड़ी है सेल वही क्या है, सेकेंडरी ऊसाइट है, और जो छोटी सेल बन रही है वो क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडी है। ठीक है, एंड फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या होता है, अब वो फर्दर डिवाइड होगी, मियोसिस जो सेकेंड है उसमें पार्टिसिपेट करेगी नहीं करेगी, इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते हैं। ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो मियोटिकली डिवाइड होगा, मियोसिस सेकेंड में प्रोसीड करेगा या नहीं करेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी ऊसाइट है वो जरूर मियोसिस सेकेंड में पार्टिसिपेट करेगा, और मियोसिस सेकेंड में पार्टिसिपेट करने के बाद इसी से क्या बनता है, आगे ओवम बनेगा एंड सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो आप अगर ध्यान से देखो तो हमने आपको जीएमसी जो गैमेट मदर सेल है वहां से लेकर के ओवम तक पूरी बात बताई, जो ऊजनेसिस भी आपका साइमल्टेनियसली कंप्लीट हुआ है। ठीक है, चलिए वापस आते हैं सेकेंडरी फॉलिकल की तरफ। तो जो सेकेंडरी फॉलिकल है,
ठीक है, उस सेकेंडरी फॉलिकल में याद रखना है नाम जरूर सेकेंडरी फॉलिकल है, यहाँ पर टर्शरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या बन रहा है, टर्शरी फॉलिकल बन रहा है। तो आपको याद रखना है कि जरूर इन फॉलिकल्स का नाम सेकेंडरी या टर्शरी है, लेकिन इनमें जो हमारा ऊसाइट प्रेजेंट है वो अभी भी प्राइमरी ऊसाइट है, वो अभी भी प्राइमरी ऊसाइट है। मतलब टर्शरी फॉलिकल तक क्या होता है, प्राइमरी ऊसाइट ही प्रेजेंट रहेगा, और टर्शरी फॉलिकल के बाद जब ग्रेफियन फॉलिकल वाली स्टेज आएगी, ठीक है, जब टर्शरी फॉलिकल पूरी तरह मेच्योर होकर ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, तो ग्रेफियन फॉलिकल जब बनता है उस स्टेज में आकर के ये जो मियोसिस फर्स्ट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब ग्रेफियन फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल का जो कन्वर्जन ग्रेफियन फॉलिकल में होगा, तो इस स्टेज में आकर के हमारा जो मियोसिस फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। जो टेम्पररी अरेस्ट हुआ था ना प्रोफेज फर्स्ट के बाद, यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल की स्टेज में वो ग्रेफियन फॉलिकल जब बनेंगे, तो ग्रेफियन फॉलिकल में आकर के ये चीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, मियोसिस फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और क्या बनेगा, बनेगा हमारा एक सेकेंडरी ऊसाइट जो साइज में बड़ा होगा, और एक छोटी सेल बनेगी जिसको फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे। और ग्रेफियन फॉलिकल में अब आपको याद रखना है कि जो सेकेंडरी ऊसाइट है, अब उसमें मियोसिस सेकेंड पूरा होगा एंड उसके बाद ओवम का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ग्रेफियन फॉलिकल जो है ओवरी के अंदर, एक चीज ये भी है कि ओवरी के अंदर जब हमारा सेकेंडरी ऊसाइट ग्रेफियन फॉलिकल में बन गया, तो ग्रेफियन फॉलिकल से जो चीज रिलीज हो रही है, मतलब ओवरी ने जिसको रिलीज किया वो एक्चुअली क्या था, वो सेकेंडरी ऊसाइट ही था, और सेकेंडरी ऊसाइट फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ओवम में कन्वर्ट हो रहा है। ओवरी ने जिसको रिलीज किया था, उसके लिए ऐसे बताने के लिए टीचर्स पढ़ाते समय भी बोल देते हैं कि ओवम रिलीज कर रहा है, ओवरी ने ओवम रिलीज किया, ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज में ओवम रिलीज हुआ। लेकिन वो ओवम है क्या, वो ओवम एक्चुअली सेकेंडरी ऊसाइट, ठीक है ना, एंड उसके बाद ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है जब फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया, तो वहां जाकर के उसका मियोसिस सेकेंड हो रहा है, वहां पर जाकर के उसका मियोसिस सेकेंड हो रहा है, और मियोसिस सेकेंड के बाद ये ओवम बनाएगा, दो सेल बनेगी ना, एक बड़ी और एक छोटी, तो जो बड़ी सेल होगी वो ओवम होगी फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, एंड जो छोटी सेल होगी वो पोलर बॉडी होगी, ठीक है, कौन सी पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। तो यहाँ आप याद रखें ग्रेफियन फॉलिकल जो बन गया, यहाँ पर आकर के जो है हमारा जो प्राइमरी ऊसाइट है वो सेकेंडरी ऊसाइट में कन्वर्ट होगा, ग्रेफियन फॉलिकल में आकर के सेकेंडरी ऊसाइट में कन्वर्ट होगा, और यहां से लेकर के जो प्राइमरी फॉलिकल है, यहां से लेकर के ये टर्शरी फॉलिकल तक की ये जितनी भी स्टेजेस हैं, यहां पर जो अंदर सेल जो प्रेजेंट है, उस सेल को क्या बोलोगे, उसको प्राइमरी ऊसाइट ही बोलोगे। बेटा वीडियो को बहुत ध्यान से समझिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक एक एक चीज क्लियर हो रही, एंड देन इसके बाद आप एनसीईआरटी से एक बार लाइन टू लाइन चीजों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से हर पॉइंट समझ में आने वाला, बहुत ध्यान से पढ़ो। तो ये टर्शरी फॉलिकल, आप देख लेते हैं कि इन सारे फॉलिकल्स में थोड़ा थोड़ा सा फर्क है, वो फर्क क्या है, तो भाई प्राइमोर्डियल फॉलिकल और प्राइमरी फॉलिकल में तो ऐसा कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बस एक फर्क इतना सा ही है कि जो ओवम होगा, जैसे मान लीजिए यू समझिए, जैसे कि जो आपका ओवम है, जिसको अभी ओवम नहीं कहेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, गैमिट मदर सेल, ठीक है ना, तो ये जो गैमिट मदर सेल है, ये इसके चारों ओर ये फॉलिकुलर सेल्स का पूरा एक अरेंजमेंट है, फॉलिकुलर सेल्स का पूरा अरेंजमेंट है, एंड अभी ये क्या है, ये आपका देखिए प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, इसके बाद ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल है ये प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये प्राइमरी फॉलिकल में जब कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपको ध्यान देना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो आपका अंदर दिस इज जो आपका प्राइमरी ऊसाइट है, इस प्राइमरी ऊसाइट और ये जो यहाँ पर ये जो फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं, ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं, इनके बीच में, ठीक है, ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, इनके बीच में पतली सी एक और मेम्ब्रेन डेवलप हो जाएगी, दिखाई देगी। हालांकि शुरू में ये क्या है, बहुत थिक नहीं है, ये क्या है, बहुत थिन है, एंड इसके बाहर की तरफ ये क्या प्रेजेंट है, ये फॉलिकुलर सेल्स जो है प्रेजेंट है, बाहर की तरफ ये फॉलिकुलर सेल्स का पूरा जो है ये अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा। एंड ये जो अंदर सेल बन गई है, ये जो एक लाइनिंग बन गई, सेल नहीं सॉरी एक लाइनिंग बन गई है, ये लाइनिंग कैसी है, ये ए सेलुलर है, याद रखना है, दिस लेयर बिटवीन द ग्रेन्युलोसा सेल्स, ये जो थिकनेस है
एंड जो एग जो हमारा प्राइमरी ओओसाइट है इसके बीच में जो रेड कलर का यहाँ बेटा बना के दिखाया ना, ये जो लाइनिंग है इस लेयर को, इसको क्या बोलेंगे, जोना पेल्यूसिडा। और ये जो जोना पेल्यूसिडा यही मेमेलियन एग की क्या है, मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, सॉरी मेमेलियन एग के अराउंड जो एक कवरिंग है वो क्या है, वो जोना पेल्यूसिडा है। एंड प्राइमरी ओओसाइट की अपनी कवरिंग तो ये है ही है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो है ही, ठीक है। एंड जो अंदर प्लाज्मा वो ओ प्लाज्मा वो तो प्रेजेंट है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज जोना पेल्यूसिडा। एंड ये जो जोना पेल्यूसिडा है, अभी जोना पेल्यूसिडा किसका बना हुआ है, ये क्वेश्चन ये है, इसका ये किसका बना हुआ है, मतलब सब्सटेंस कौन से है यहाँ पर, तो दो आपको याद रखने नाम, कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट का मेनली ये बना होता है एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। स्ट्रक्चर क्या है, तो जो हमारा जोना पेल्यूसिडा है दैट इज परफोरेटेड, परफोरेटेड रीजन क्या है परफोरेटेड होने का, उसको अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्लियर होगा। अब जब सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ, तो सेकेंडरी फॉलिकल में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो जोना पेल्यूसिडा है ये थोड़ा सा और क्या हो गया है, थिक हो गया है। एंड इसके थिकनिंग का रीजन वही है कि कार्बोहाइड्रेट और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स है वो इसके ऊपर और ज्यादा डिपॉजिट होते जा रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। साथ ही साथ जो बाहर ये ग्रेन्यूलोसा जो सेल्स की जो लाइनिंग है, जो मेम्ब्रेन है, वो और क्या होती जा रही है, लेयर्ड होती जा रही है, और लेयर्ड होती जा रही है, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल के केस में। एंड सेकेंडरी फॉलिकल से जब हम लोग टर्शियरी फॉलिकल में पहुंचते हैं, तो टर्शियरी फॉलिकल में सबसे पहले एक कैविटी जनरेट होती हुई दिखाई देगी, और वही कैविटी क्या है, एंट्रम, ठीक है, उस कैविटी को क्या बोलेंगे, एंट्रम। और ये एंट्रम ग्रेफेन फॉलिकल में और बढ़िया सा और बड़ा सा एनलार्ज होकर के दिखाई देगा। तो टर्शियरी फॉलिकल तक आते आते क्या होगा, जो हमारा प्राइमरी ओओसाइट है टर्शियरी फॉलिकल में, उसका साइज काफी बड़ा हो जाएगा, उसकी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो प्राइमरी फॉलिकल जो है उसके अराउंड जो मेम्ब्रेन है, सेल की जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये आपका जो ग्रीन वाली लाइनिंग है ये क्या है, जोना पेल्यूसिडा, ये जोना पेल्यूसिडा। एंड इसके अंदर ये जो ब्लैक वाली लाइनिंग है, ये जो ब्लैक वाली ये जो कवरिंग है, ये क्या है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा ऑफ द ओवम। तो ओवम तो ठीक है, ओवम का मतलब यहाँ पर ग्रेफेन फॉलिकल के अंदर जो ओवम प्रेजेंट है वो कौन है, वो सेकेंडरी ओओसाइट है, याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके अराउंड जो ये कवरिंग है ये क्या है, ये हो गई आपकी, दिस इज प्लाज्मा लेमा ऑफ द सेकेंडरी ओओसाइट या ओवम कह सकते हो, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। एंड अब ये जो चारों तरफ से जो कैविटी देख रहे हो ये क्या हो गया, ये हो गया एंट्रम। तो ये जो एंट्रम है यहाँ जितना एनलार्ज है, इतना एनलार्ज टर्शियरी फॉलिकल में नहीं होता है, टर्शियरी फॉलिकल में पहली बार ये कैविटी क्या होगी, अपीयर होगी, और इस कैविटी में फ्लूइड भरा होगा, ठीक है, इस कैविटी में फ्लूइड भरा होगा, और वो फ्लूइड रिच होता है किन मटेरियल से, तो बेसिकली यहाँ पर एक खास तरीके के प्रोटीन्स होते हैं जिनको म्यूकोप्रोटीन्स कहा जाएगा। तो म्यूकोप्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट है कैविटी में। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कि जो प्राइमरी हमारा ओ साइट है उसका जो ओ प्लाज्मा है वहां पर रिजर्व फूड मटेरियल के फॉर्म में कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है। तो लिपिड जो होता है प्राइमरी ओ साइट में, आपका जो ये प्राइमरी ओ साइट या जो हमारा ओ साइट है उसमें जो आपका दिस इज ओ प्लाज्मा, जो उसका साइटोप्लाज्म है उसको ओ प्लाज्मा बोलेंगे, वहां पर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कौन है, वो है लिपिड, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि जर्मल एपिथेलियम ने प्राइमर्डियल फॉलिकल बनाया, और प्राइमर्डियल फॉलिकल से आगे चल करके प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, एंड यहां से लेकर के यहां तक जो भी यहाँ पर जो हमारे प्राइमर्डियल फॉलिकल है उसमें तो गैमिट मदर सेल है जिनको ओगोनियम कहा जा रहा है, देन प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के टर्शियरी फॉलिकल तक जो अंदर सेल प्रेजेंट है, फॉलिकल्स जो फॉलिकल है उसके अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो क्या है, प्राइमरी फॉलिकल, देन ग्रेफेन फॉलिकल में आकर के क्या हुआ, सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एंड यही ग्रेफेन फॉलिकल, अभी देखिए ग्रेफेन फॉलिकल का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है। ग्रेफेन फॉलिकल में क्या हो गए कि जो आपकी ग्रेन्यूलोसा सेल्स है, जो फॉलिकुलर सेल्स है, उनमें बाहर की तरफ फीका लेयर्स का भी फॉर्मेशन हो गया है, एंड इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अंदर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बन गई है, जैसे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ने बाहर की तरफ कुछ फॉलिकुलर सेल्स हैं, ग्रेन्यूलोसा सेल्स हैं, जिनको अलग किया हुआ है,
एंड कुछ फाइब्रस सेल्स हैं जिनको अलग किया। तो जो फाइब्रस सेल्स होते हैं वो एकदम पेरिफेरल एकदम आउटर अरेंजमेंट में होते हैं जिनको थीका एक्सटर्ना कहेंगे। तो ये आपका देखिए ये थीका एक्सटर्ना है और ये जो ब्लैक ब्लैक सा डॉट 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 करके दिख रहा है ये ग्रेन्युलोसा सेल्स है, ये क्या थीका इंटरना। इसके बाद ये जो ब्लैक वाली जो कवरिंग है ये क्या हो गई, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो आपका ये जो रेड कलर का जो डॉट 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 करके दिखाया बेटा, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स की डेंस लेयरिंग है। इस डेंस लेयरिंग को क्या बोलेंगे, दिस इज मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा, मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। और मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा ने ही क्या कर रखा है, जो हमारा ओवम, जिसको हम अभी ओवम का मतलब यहाँ जो सेकेंडरी ओवोसाइट है ग्रेफियन फॉलिकल में, सेकेंडरी ओवोसाइट मीन्स ओवम, जिसको कवर कर रखा है ना, जिसको कवर कर रखा है ग्रेन्युलोसा सेल्स ने, ठीक है। तो ग्रेन्युलोसा सेल्स की जो कवरिंग है, ये कवरिंग आप देखोगे कि इसने पूरी जोना पेल्यूसिडा को बाहर की तरफ से कवर कर रखा है। सेकेंडरी ओवोसाइट के बाहर क्या है, जोना पेल्यूसिडा, और जोना पेल्यूसिडा को इसने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है। ग्रेन्युलेटेड जो सेल्स की जो थिकनिंग है, जो लाइनिंग है, जो मेम्ब्रेन है, उसने कवर कर रखा है। इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका कोरोना रेडिएटर, ये हो गया कोरोना रेडिएटर। तो अब ये कोरोना रेडिएटर और ये जो मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा है, इसके बीच में ये जो एक कैविटी जनरेट हुई है, यही कैविटी क्या है, एंट्रम। और इस एंट्रम कैविटी में फ्लूइड प्रेजेंट है, और उसमें क्या प्रेजेंट है, रिचली इस फ्लूइड में कौन से मटेरियल है, म्यूको प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक। अब आते हैं, देखते हैं कि भाई जोना पेल्यूसिडा जो है वो परफोरेटेड क्यों है, एंड जोना पेल्यूसिडा क्यों यहाँ पर प्रेजेंट है, जो हमारा जिसे ओवम बोल रहे हैं उसके अराउंड जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट क्यों। तो प्रेजेंट इसलिए है कि जो आपकी मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओवम की, सेकेंडरी ओवोसाइट की, अगर इसको बहुत डिटेल में जाकर के देखेंगे तो इसमें प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस प्रेजेंट है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस प्रेजेंट है। और वो जो प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ये ऐसे समझो, जैसे मान लो कि ये जो है, ये जो लाइनिंग है यहाँ पर, ऐसे समझिए जो रिस्ट है हमारा, ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सपोज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इसके ऊपर जो फिंगर ये निकले हुए हैं, ये क्या हो गए, ये हो गए आपके प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। एंड ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस इन पोर्स को पार करके, अब ये जो लेयर है, ये वाला हाथ क्या हो जा रहा है, ये जोना पेल्यूसिडा हो गया। तो जोना पेल्यूसिडा मैंने क्या बताया, परफोरेटेड है, तो परफोरेटेड मतलब इन पोर्स को पार करके ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस क्या हो रहा है, देखो जोना पेल्यूसिडा को पार करके बाहर निकल रहा है, और जब जोना पेल्यूसिडा को पार करके ये बाहर निकले तो ये किधर पहुंचे, कोरोना रेडिएटर की तरफ पहुंचे ना, और कोरोना रेडिएटर किसका बना हुआ है, ग्रेन्युलेटेड सेल्स का बना हुआ है। और इन ग्रेन्युलेटेड सेल्स, खास बात है कि यहाँ इस जगह पर जो ग्रेन्युलेटेड सेल्स है कॉलमनर हो जाएंगे, ठीक है, शुरुआत जहां से हुई थी प्राइमोर्डियल फॉलिकल एंड प्राइमरी फॉलिकल तक, तो ये किसी भी तरीके के हैं, ठीक है, इनकी शेप कोई बहुत फिक्स नहीं, लेकिन सेकेंडरी जो हमारा फॉलिकल है एंड टर्शियरी फॉलिकल, यहाँ तक आते आते ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं ये समवर्ट कॉलमनर हो जाते हैं, मतलब कॉलमनर कॉलम टाइप ऐसे दिखाई, कॉलमनर सेल्स जानते हो ना, उस टाइप के हो जाएंगे। तो अब जो ये प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सेकेंडरी ओवोसाइट जो ओवम है उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस है, ये देखिए जोना पेल्यूसिडा, जिस ये क्या हो गया, जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा के परफोरेटेड क्योंकि स्ट्रक्चर है तो इसके पोर्स को पार करके ये बाहर निकल रहे हुए, और जब बाहर ये निकले हुए तो इन्होंने बाहर निकल करके, ठीक है, जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं उन ग्रेन्युलोसा सेल्स में माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, उन माइक्रोविलाई के साथ क्या कर रखा है, ऐसा यू जंक्शन बना रखा है। तो इस जंक्शन बना लेने से बेटा फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हुआ कि एक लार्ज सरफेस एरिया का एसोसिएशन हो रहा है, ओवम जो है एक लार्ज सरफेस एरिया में अपने बाहर के एटमोसफेयर के साथ कनेक्ट हो रहा है, और बाहर के एटमोसफेयर में जो भी उसके लिए बेस्ट मटेरियल मतलब न्यूट्रिएंट्स जो पहुंच रहे हैं, वो सारे न्यूट्रिएंट्स क्या कर लिए जाएंगे, ओवम तक पहुंचा लिए जाएंगे, समझ में आ रही ना बात। तो इसलिए जो है यहाँ पर इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। अब जब हमारा ग्रेफियन फॉलिकल बन गया, तो ग्रेफियन फॉलिकल एक जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल का, उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डिफरेंट फेजेस हैं, उसमें से एक फेज क्या है, ओवुलेटरी फेज, जिसको ओव्यूलेशन कहा जाएगा, ठीक है। तो ओव्यूलेशन फेज में ये ग्रेफियन फॉलिकल पूरी तरीके से 14th डे क्या हुआ, पूरी तरह मेच्योर हो गई, एंड मेच्योर होने के बाद 14th डे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है वो क्या कहलाता है, ओव्यूलेशन। तो वो जो हमारा अब यहाँ पर जो जिसे हम ओवम बोल रहे हैं, एक्चुअली ये क्या है, सेकेंडरी ओवोसाइट, ये इस ग्रेफियन फॉलिकल से क्या किया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा।
ये रिलीज कर दिए जाएंगे, मतलब ओवरी से रिलीज कर दिए गए एंड रिलीज कर दिया गया एंड फिमरे ने उसको होल्ड कर लिया एंड फेलोपियन ट्यूब में पहुंचा। देन वहां जाकर के फेलोपियन ट्यूब में ये जो ओवम, जिसको सेकेंडरी ओसाइट, यहाँ ओवम का मतलब आपको सेकेंडरी ओसाइट समझना है, ग्रेफन फलके के स्ट्रक्चर में अगर कहीं ओवम मार्क किया जा रहा है, अंदर ये ओवम है, ओवम ही मार्क किया जाएगा, वो एक्चुअली क्या है, वो सेकेंडरी ओसाइट है। एंड ओवुलेटरी फेज में ग्रेफन फलकल ने 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवुलेशन हुआ, एक रिलीज किया, मतलब एक का मतलब ओवम, ओवम इन सेकेंडरी ओसाइट, बहुत ध्यान समझिएगा, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज किया और ये कहां पर पहुंचा, ये पहुंचा फेलोपियन ट्यूब में। फेलोपियन ट्यूब में जाकर के अब क्या हो रहा है, मियोसिस सेकेंड पूरा होगा। देन अभी जो सेकेंड पूरा हुआ मियोसिस सेकेंड, तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है इसने ओवम बनाया, ओवम का मतलब अब फाइनली फीमेल गैमेट बन गया, ठीक है। एंड सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एंड एग तो रिलीज हो गया, लेकिन एग रिलीज होने के बाद सपोज मान लो कि ये आपका ग्रेफन फॉलिकल है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर और डिटेल आप इसे नोट करिए, सपोज मान लीजिए ये ग्रेफन फॉलिकल है, ठीक है ना, इसने ये एग रिलीज कर दिया, ये ओवम इसने रिलीज कर दिया, तो ये जो बचा हुआ मास है, ये बचा हुआ मास अब क्या होगा, ये तो ओवरी के अंदर ही रह जाएगा ना, तो ये ओवरी के अंदर जो रह जाएगा मास, अब ये लिटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसके सुपरविजन में, अभी इसका फॉर्मेशन ये किसमें चेंज होगा, ये चेंज होगा कॉर्पस ल्यूटियम में, ये चेंज होगा कॉर्पस ल्यूटियम में। एंड येलो कलर का एक मास है, ठीक है, ये येलो कलर का एक मास है, एंड यही कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये 21th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके 21th डे तक मेंटेन रहेगा, एग्जैक्टली यू मेंटेन रहेगा, और एक हार्मोन रिलीज करता रहेगा कंटिन्यूअसली, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फेलोपियन ट्यूब में जब ओवम पहुंचा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, 21st डे के बाद ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो येलो कलर का मास है, ये धीरे धीरे डीजनरेट होने लगेगा और डीजनरेट होते होते एक व्हाइट कलर के एक श्रिंक मास में कन्वर्ट होगा, उस मास को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉर्पस एल्विकेंस, ठीक है ना, क्लियर। एंड 28th डे आते आते क्या हो जाएगा कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम पूरी तरह, मतलब 28th डे पूरी तरह डिजेनरेट हो जाएगा और कार्पस एल्विकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड 28th डे ही क्या होगा, मेंसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है, क्लियर हुई ना बच्चों। तो ये पूरी डिटेल थी आपकी डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, जो डिफरेंट स्टेजेस है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ध्यान रखा है कि आप सीधे सीधे एक वो स्टडी ना करो कि बस आप स्टेजेस पढ़ते जा रहे हो और एक रटने वाली बात हो जाए। मैंने यहाँ पर जो आपका ऊ जिनेसिस है उसके साथ कंपेयर करके चीजों को बताया है बेटा, तो ऊ जिनेसिस को और जो ये स्टेजेस हैं इनको साथ में रख करके अगर आप पढ़ोगे तो ये पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज करने वाले क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है, हर बार की तरह इस बार भी कहेंगे, उसको लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में से शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आपने वीडियो देखा है और आपको अगर समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।